हाय गाइस, आप देख रहे हैं lalantop.com और हमारे न्यूज़ रूम से अविनाश और निखिल आपके सामने हैं। जस्टिस दीपक मिश्रा भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्होंने अपने पूरे करियर में बहुत सारे चर्चित फैसले दिए हैं, जैसे सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजना या BCCI को कंट्रोल में रखना, या फिर निर्भया गैंगरेप का मामला था, या फिर याकूब मेमन की फांसी थी। तो इनके करियर में जितने चर्चित फैसले रहे उतने ही विवाद भी इनके साथ चलते रहे हैं। अभी हाल ही में जो चार जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर गंभीर इल्ज़ाम लगाए गए थे, उसमें भी जो आरोपों की रिसीविंग एंड पे थे वो जस्टिस दीपक मिश्रा ही थे। अब ये हुआ है कि जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ एक मोर्चा पॉलिटिक्स की तरफ से खुल गया है। इस तरह की बातें चल रही हैं कि कांग्रेस की अगुवाई में देश का विपक्ष उनके खिलाफ महाभियोग ला सकता है। तो इसकी पॉलिटिक्स फिलहाल चल रही है, जब तक कि वो मामला सॉलिडिफाई होता है हमें मालूम चलता है कि क्या होने वाला है। तब तक हम ये समझ लेते हैं कि महाभियोग होता क्या है, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल प्रोसेस है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि देश का सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, जो कि बहुत ताकतवर पद है, उस पर कोई व्यक्ति आता कैसे और उसे हटाया कैसे जाता है। तो अविनाश, वहाँ से शुरू करेंगे कि अभी महाभियोग होता क्या है। निखिल, भारतीय संविधान में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया और जजों को हटाने की प्रक्रिया, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था दी गई है। तो भारतीय संविधान की धारा जो 124 कहती है, उसमें जजों की पूरी नियुक्ति से लेकर के और हटाने की प्रक्रिया रखी हुई है ना। उसकी 124 धारा 124 में जो चौथा अनुच्छेद है वो बताता है कि कैसे हटेंगे, और उसमें साफ तौर पे इस बात का जिक्र है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं तो उन्हें हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, और संसद जो है जिस विशेष प्रक्रिया के तहत उन्हें हटा सकती है उसको कहते हैं महाभियोग। तो इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है? महाभियोग का प्रोसेस ये होता है कि लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर के हमारी संसद बनती है। अच्छा, ये उसके तीन अंग हो गए। ये तीन अंग है, मतलब जिसे हम संसद कहते हैं वो संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो महाभियोग लाने के लिए या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में ये प्रस्ताव रखा जा सकता है। अगर प्रस्ताव लोकसभा में रखा जा रहा है तो लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य एक पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे और वो उसे लोकसभा में पेश करेंगे उसके अध्यक्ष के पास। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उसके सामने ये रखेंगे कि हम महाभियोग लाना चाहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। अगर ये राज्यसभा में पेश किया जाता है तो वहाँ पे कम से कम 50 सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए, मतलब 50 राज्यसभा सांसद एक कागज़ पर सिग्नेचर करेंगे और वो कहेंगे कि हम महाभियोग लाना चाहते हैं। अब लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा में उपसभापति होते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं। इन दोनों को ये विशेषाधिकार है कि जो पत्र जो शपथ दी गई है, मतलब ये हटाने की जो एफिडेविट उन्होंने दिया है हटाने के लिए, उसे एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। अगर एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने तो इसके बाद की एक फिर प्रक्रिया होती है। अगर ये दोनों जगहों में से किसी भी एक जगह पर एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर जस्टिस एक्ट एक है हमारे पास, 1968 का जस्टिस एक्ट है। जस्टिस एक्ट ये कहता है कि अगर यहाँ से एक्सेप्टेंस हो जाती है तो फिर हमें तीन सदस्यों की एक समिति बनानी होगी। इस तीन सदस्यों की समिति में एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होंगे, एक हाई कोर्ट के चीफ, मतलब पूरे राज्यों के जितनी भी हाई कोर्ट है उनमें से किसी एक चीफ जस्टिस होंगे, और एक जो है वो लॉ का कोई जानकार होगा, वो कोई बड़ा वकील हो सकता है, वो कोई रिसर्च स्कॉलर हो सकता है, या कोई भी ऐसा जिसके पास कानून की जानकारी हो। तो ये तीन लोग मिल करके एक समिति बनाई जाएगी और वो फिर ये तय करेगी, वो ये देखेगी कि चीफ जस्टिस पर जो आरोप लगाए गए हैं, इनको हटाने के लिए जो दलील दी गई है, उन दलीलों में कितना दम है। अगर ये समिति पाती है कि दलीलों में दम नहीं है तो फिर मामला वहीं रफा दफा हो जाता है, कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर इन दलीलों में दम पाया जाता है, कमेटी जांच में दोषी पाती है इनको, तो फिर जहां पे ये पेश किया गया रहेगा, या तो लोकसभा में पेश किया जाएगा या राज्यसभा में पेश किया जाएगा, तो जहां पे ये पेश किया गया रहेगा उस सदन को अपनी ये रिपोर्ट कमेटी देगी कि हाँ हमने ये पा लिया है, ये दोषी हैं। अब अगर दोष सिद्ध हो जाता है उस कमेटी की तरफ से, तो फिर आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर 2/3 बहुमत से उसको साबित करना होगा। और अगर आप 2/3 बहुमत से साबित कर देते हैं तो फिर इसका जो लेटर है वो आप राष्ट्रपति को भेजेंगे, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे और फिर जज जो हैं उनको अपने पद छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, और जो राज्यों के हाई कोर्ट्स होती हैं उनके जो चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें हटाने की भी प्रक्रिया सेम प्रक्रिया है। अच्छा, राज्यों के भी चीफ जस्टिस को हटाने की भी प्रक्रिया बिल्कुल यही है जो देश के चीफ जस्टिस को हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो हाल फिलहाल जो स्थिति है राज्यसभा में और लोकसभा में, उसमें अगर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है जैसा कि कहा जा रहा है तो होगा क्या? देखिए, लाया जा सकता है, इसमें चूंकि लाने के लिए 50 सदस्य चाहिए राज्यसभा में और लोकसभा में चाहिए 100 सदस्य। अगर पूरे विपक्ष को देखेंगे आप तो इतनी संख्या बल तो है उनके पास,
क्योंकि 50 मतलब 50 के करीब तो कांग्रेस के ही हैं, 48 कांग्रेस के पास हैं लोकसभा में और 58 के करीब हैं उनके पास राज्यसभा में, तो ये ला तो सकते हैं। तो इनके साथ अगर बाकी विपक्ष अगर इनके बाकी विपक्ष मिले तो ये 100 और 50 ये जो दोनों आंकड़े हैं मतलब ठीक है। अगर कांग्रेस को लगता है कि हमें लाना है ये अकेले जाएंगे राज्यसभा में, 58 उनके पास हैं ही, वो पेश कर देंगे, पेश तो ये कर सकते हैं। लेकिन जहाँ जब अब दो तिहाई बहुमत की बात आएगी तो वहाँ पे 545 सदस्य हैं लोकसभा में, यहाँ पे 245 सदस्य हैं राज्यसभा में, अब इनके दो तिहाई बहुमत के आंकड़े को छूना बहुत ही मुश्किल है बिना भाजपा और एनडीए के, चूँकि इनके पास इतना संख्या बल है और ये नहीं छू सकते हैं। कुल मिला के बात यही है, ये तमाम कोशिशों के बावजूद राज्यसभा में और लोकसभा में दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सकते। लोकसभा की स्थिति 2014 में आप देख ही चुके हैं, बदल चुकी है, बीजेपी और एनडीए सबसे बड़ी पार्टी है। राज्यसभा में भी अभी जो हालिया चुनाव हुए हैं इसमें बीजेपी 31 और सीटें उनकी बढ़ गई हैं, और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो कांग्रेस को हुआ है विपक्षी दलों में, जैसे समाजवादी पार्टी की 8 सीटें एक ही साथ चली गई हैं, अचानक से ख़त्म हो गई। तो ये जो नुकसान इनको उठाना पड़ा है, बीएसपी की एक सीट पहले से ही खाली थी, मायावती ने जो इस्तीफा दे दिया था, तो ये जो मोटा मोटा जो विपक्ष का आंकड़ा है वो पूरा दो तिहाई के बहुमत तक नहीं पहुँच पाएगा। इस वजह से ये प्रस्ताव आ तो सकता है, इसीलिए मतलब यही वजह है कि कोई पार्टी अगुवाई की बात हो रही है, कांग्रेस बार बार कह रही है या डीएमके कह रही है, तृणमूल कांग्रेस कह रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है, लेकिन करे कौन? अच्छा, चूँकि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ तक जिम्मेदारी से लेकर के जाना होगा, और आपको भी पता है कि हमारे पास समर्थन तो है नहीं, हम दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सकते हैं। इसलिए अगुवाई भले मतलब नाम दिया जा रहा है कि कांग्रेस कर रही है अगुवाई, लेकिन कोई खुल करके मतलब जिसको कहते हैं ना फ्रंट फुट पे आकर के बैटिंग करने के लिए कोई भी अभी राजी नहीं हो। अच्छा, ये कौन से इल्ज़ाम है जिनके तहत विपक्ष चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाना चाहता है? देखिए, मुद्दा पुराना है, अभी इस समय क्यों लाया जा रहा है, चूँकि अभी कांग्रेस की तरफ से या किसी विपक्ष की तरफ से कोई बयान दिया जाए तब तो समझ में चीज़ें आएँ। ये मामला वही पुराना है जब चार जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, भारतीय इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुपीरियर अमंग अस होता है। तो ठीक है, हम जो भी 5 जज की या 7 जजों की बेंच होती है उसमें बस उसका नंबर 1 होता है, बाकी हम लोग बराबर होते हैं, फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है। लेकिन उनकी कार्यप्रणाली पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान खड़े हुए थे कि वो जो भी केसेज आते हैं वो अपने चहेतों को बांट दिए जाते हैं, हाँ, और अपने चहेतों को दे दिए जाते हैं, और दीपक मिश्रा पर और भी कई पहले से आरोप रहे हैं। लेकिन जब जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उसके बाद से ये मामला चूंकि संगीन हो गया, आरोप संगीन हो गए, ठीक है, बीच में फिर डिनर डिप्लोमेसी हुई और बहुत सारी चीज़ें हुई, उसके बाद उन लोगों को ख़त्म किया गया। लेकिन ये विवाद उसी का है, और जो विपक्ष कह रहा है कि हम लाने जा रहे हैं वो वही मामला है। ठीक है, और इससे पहले हिंदुस्तान के इतिहास में कोई मिसालें रही हैं कि किसी चीफ जस्टिस के खिलाफ लाया गया? मिसालें रही हैं, हालिया मिसाल कई हैं, जैसे मेरे पास मैंने एक लिस्ट बना रहा था जब मैं तो देखा था मैंने कि जैसे जस्टिस पीडी दिनाकरन थे, ये जस्टिस पीडी दिनाकरन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे, 2009 में इनके खिलाफ आया था प्रस्ताव, और उस समय राज्यसभा के 75 सांसद थे जिन्होंने सिग्नेचर करके दिया था, वहाँ से महाभियोग की शुरुआत तो हो गई थी। 12 आरोप लगाए थे उनके खिलाफ, 3 सदस्यीय जांच समिति भी बन गई थी, लेकिन जब तक समिति की रिपोर्ट आती मतलब वो पेश करती राज्यसभा में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, जब इस्तीफा दे दिया तो मामला खत्म हो गया, चूँकि हद पद से हटाने का ही मामला था, वो उन्होंने खुद ही पद छोड़ दिया, तो समिति की रिपोर्ट की कोई बात नहीं रही। जस्टिस सौमित्र सेन का मामला आपको याद होगा, बहुत चर्चित मामला रहा था 2011 में, 24 लाख रुपए के वित्तीय गड़बड़ी का आरोप था, इनके खिलाफ भी राज्यसभा में ही लाया गया था प्रस्ताव, और जब राज्यसभा से प्रस्ताव पास हो गया और वहाँ पे समिति बनने की भी प्रक्रिया शुरू होती उससे पहले जस्टिस सौमित्र सेन ने भी इस्तीफा दे दिया, तो ये मामला फिर वहाँ भी रफा दफा हो गया। जस्टिस जेबी परदीवाला थे 2015 में, ये गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उस समय एक मुद्दा था हार्दिक पटेल का, पाटीदार आरक्षण के जो नेता थे, पाटीदार आंदोलन वाले, आरक्षण के मुद्दे पर ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहाँ पे इनके एक मुकदमे की सुनवाई चल रही थी, और जस्टिस जेपी परदीवाला ने कुछ ऐसे कमेंट किए थे जो आरक्षण के समर्थकों को नागवार गुजरे थे, और इसको लेकर के वो लोग चले गए थे, उन्होंने जो राज्यसभा सांसद थे महाभियोग का प्रस्ताव लाया था। जब तक ये महाभियोग का प्रस्ताव लाया था, जस्टिस जेपी परदीवाला ने जो अपने आदेश में टिप्पणी की थी उस टिप्पणी को वापस ले लिया। अच्छा। और जब उन्होंने अपनी टिप्पणी वापस ले ली तो फिर ये महाभियोग का जो नोटिस था वो भी गिर गया। इसी तरीके से जस्टिस नागार्जुन रेड्डी थे, 2016 का मामला है इनका, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस रहे हैं, इन पे भी एक आरोप ये था कि इन्होंने एक जस्टिस को इसलिए प्रताड़ित किया क्योंकि वो दलित थे। अच्छा। इसको लेकर के भी राज्यसभा के 61 सदस्यों ने वहाँ लेकर के गए, लेकिन इन्होंने राज्यसभा के सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर वापस ले लिए और फिर पूरी ये भी प्रस्ताव गिर गया, पिछले प्रस्ताव गिर जी बिल्कुल।
इसी तरीके से जस्टिस वी रामास्वामी, जस्टिस वी रामास्वामी का नाम इसलिए अहम है और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारतीय इतिहास में पहली बार जस्टिस वी रामास्वामी ही ऐसे थे जिनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी। ये पंजाब और हरियाणा के चीफ जस्टिस रहे थे। 1991 में उनके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे थे और उस समय चूंकि कॉलेजियम सिस्टम भी नहीं था तो उस समय इनकी नियुक्ति पर भी बहुत सारे सवाल उठे थे। फिर 93 में इनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था और जब प्रस्ताव को पारित कराने की बारी आई तो कांग्रेस ने वोटिंग से इनकार कर दिया। अब वो वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेने गई और इसके बाद फिर ये प्रस्ताव भी गिर गया। ठीक है, तो ये था महाभियोग का पूरा जो प्रोसेस होता है वो, उसके पीछे की पॉलिटिक्स और जो हिंदुस्तान के इतिहास में इसकी मिसालें रही हैं वो। अब तक के महाभियोग देश में जितने बार लाया गया है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ ही लाया गया है। अगर ये प्रस्ताव लाया जाता है तो ये देश के इतिहास में पहली बार होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। ये सारी चीज़ें जब और डेवलप होंगी, जब और कंसोलिडेट होंगी इसकी डिटेल्स, तब हम इस तरह के और वीडियोस बना के आपको वो सारी चीज़ें बताते रहेंगे। उन सबको देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर इस वीडियो का यूट्यूब कट आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।